दुनिया भर में तेजी से बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की वजह से अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अगर आप भी अस्थमा के मरीज हैं तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे बीमारी के लक्षणों को रोका जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले अच्छे और नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपको अस्थमा की तकलीफ़ है तो आपने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खान पान अस्थमा में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप अपनी तकलीफ़ को, अपने अस्थमा को काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अस्थमा मतलब होता क्या है। अस्थमा, जिसे हम दमा कहते हैं, ये एक लंबे समय तक, काफ़ी दिनों तक बनी रहने वाली बीमारी है, जिसमें मरीज के वायु मार्ग में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और वो संकुचित हो जाती है। इस बात को ज़रा अच्छे से समझिएगा, क्या होता है, ये जो वायु मार्ग है इसमें सूजन आ जाती है और जिस वजह से ये वायु मार्ग संकुचित हो जाता है और जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत आती है। अब साथ ही सांस फूलने लगती है और सांस लेते वक्त भी वीजिंग की आवाज़ आती है, यानी कि घबराहट की आवाज़ यहाँ से आती है। इस तरह की साउंड भी, इस तरह का आवाज़ भी पेशेंट में आता है। अस्थमा किन कारणों से होता है, ये पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अस्थमा के मरीजों को बहुत सी चीज़ों से तकलीफ़ हो सकती है। जैसे किसी चीज़ की अगर एलर्जी है तो अस्थमा के पेशेंट में तकलीफ़ हो सकती है। ये एलर्जी हर व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों की हो सकती है। किसी को किसी फल के कारण तकलीफ़ होती है, तो किसी को धूल के कारण, धुएँ के कारण, डस्ट के कारण एलर्जी हो सकती है। बहुत से लोगों को पौधे में जो परागकण होते हैं उसके कारण भी तकलीफ़ होती है, और बहुत बार उन्हें ये बात भी पता नहीं होती है, तब उन्हें मालूम होता है जब वो बार बार जो चीज़ से उन्हें तकलीफ़ है उसके पास जाते हैं। ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को जानवरों के फर के कारण भी तकलीफ़ होती है। इसका दूसरा मुख्य कारण, या और एक कारण हम जिसे कहेंगे, वो ओबेसिटी होता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप मोटे हैं, तो भी आपको अस्थमा की तकलीफ़ें बढ़ सकती है, और इसीलिए डाइट के ऊपर ध्यान देना, बैलेंस डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं अस्थमा के मरीजों में आपने क्या खाना चाहिए, अस्थमा होता क्यों है, और डिटेल में इनके कारणों के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे काफ़ी वीडियोज़ हैं। मेरा ये जो वीडियो है ये भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, ताकि इनके कारणों के बारे में और इलाज के बारे में और डिटेल में आप जान सकें। आज हम समझने वाले हैं खान पान के बारे में। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, विटामिन सी से भरपूर पोषण आपने लेना चाहिए। हमारे शरीर को बहुत से विटामिन की ज़रूरत होती है। अस्थमा के मरीज को मुख्यतः विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी के लिए मरीज को दही, अंडे का पीला भाग, चीज़, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। विटामिन डी हमारे फेफड़ों के फंक्शन को सपोर्ट करता है, साथ ही सांस से जुड़ी इन्फेक्शन को भी दूर करने में मदद करता है। अब बात की जाए विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी यानी कि ऑरेंज, मैंगो, आंवला, खट्टे जितने भी फल हैं, इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अस्थमा के मरीजों को ये फल ज़रूर खाने चाहिए। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट इसमें होता है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर इसमें होती है, जो कि आपके शरीर में इन्फेक्शन से दूर रखने में हमें मदद करती है। विटामिन ए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए जैसे गाजर, पपीता और दूसरे तरह के सभी चमकीले जितने भी फल आप देखते हैं, सभी चमकीले फलों में विटामिन ए पाया जाता है, और इसे भी अस्थमा के मरीजों को रेगुलरली खाना चाहिए। गाजर भी आपने बहुत खाने चाहिए, क्योंकि गाजर में पाए जाने वाला बीटा कैरोटीन अस्थमा के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, तो आपने खाने में गाजर का इस्तेमाल रेगुलरली करना चाहिए। अब बात की जाए ताज़े फलों की और सब्जियों के बारे में। सो रिसर्च ये कहता है कि अगर हम ताज़े फल तथा सब्जियों का सेवन करते हैं तो हमें अस्थमा के लक्षणों में, उसके ऊपर हम काफ़ी मात्रा में काबू पा सकते हैं। साथ ही बीमारियों के लक्षण जैसे सांस भरना, घबराहट सी हो जाना, आवाज आना, ये भी ताज़े फल और सब्जियों के कारण कम होने में मदद होती है। सो कौन से फल खाने चाहिए? सो आप सेब खा सकते हैं, केला, एवोकाडो, इस तरह के फल आपने रेगुलरली खाना चाहिए। पालक, गाजर, हरी सब्जियाँ, ब्रोकली, शकरकंद जैसी सब्जियों को आपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए।
तीसरा नंबर आता है साबुत अनाज का। साबुत अनाज यानी कि ओट्स या दलिया खाने में आपने ज़रूर शामिल करना चाहिए। एक रिसर्च से पता चला है कि अस्थमा के मरीज स्वस्थ और संतुलित भोजन उन्होंने करना चाहिए, जिससे उनके लक्षणों पर वो काबू पा सकते हैं और अपनी बीमारी को भी कंट्रोल में ला सकते हैं। सो अगर आपको अस्थमा की तकलीफ है तो याद रखिए, इन सब चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, चार्ट बनाइए और अपने डाइट में, अपने खान पान में फलों को, हरी सब्जियों को और जो जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई है उनको आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है शहद और दालचीनी। ये हमारे दादी और नानी माँ के ज़माने से चला आ रहा नुस्खा है। शहद और दालचीनी बहुत ही फायदेमंद होता है अस्थमा के मरीज के लिए। रात में सोने से पहले 2 से 3 चुटकी दालचीनी 1 चम्मच शहद के साथ खाने से फेफड़ों को आराम मिलता है। इसके अलावा और एक प्रयोग आप कर सकते हैं, तुलसी। जी हाँ, तुलसी भी अस्थमा के मरीज के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। तुलसी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसीलिए चाय में 2 से 3 तुलसी के पत्ते डालकर पीने चाहिए। तुलसी हमारे इम्यूनो सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाने में और बहुत सारी मौसमी बीमारियों से हमें बचाने में भी मदद करती है। तो आज के बाद याद रखिए, तुलसी और दालचीनी इन दोनों चीज़ों को ज़रूर शामिल कीजिए। साथ ही आपको आपके डाइट में सेब यानी कि एप्पल को खाना ही चाहिए। जी हाँ, एक रिसर्च ऐसा भी कहता है कि जो लोग हफ्ते में 4 से 5 बार सेब खाते हैं उनमें अस्थमा की आकांक्षा 32% कम हो जाती है। एप्पल में पाया जाने वाला फ्लेवोनॉइड तत्व फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। ये तो हमने देख लिया अस्थमा के मरीजों ने क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़रूरी होता है अगर आपको अस्थमा की शिकायत है तो आपने क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो याद रखिए, सल्फाइड वाली चीज़ें, जी हाँ, यह एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। जैसे अल्कोहल, अचार, बोतल बंद चीज़ें, नींबू पानी, इन सभी में ये सल्फाइड नाम का प्रिजर्वेटिव डाला जाता है ताकि लंबे समय तक खराब ना हो। और सल्फाइड अस्थमा के मरीज के लिए ट्रिगर का काम करता है या आपकी तकलीफ को बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए किसी भी सूरत में आपने इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रिजर्व की हुई चीज़ें, स्टोर्ड की हुई चीज़ें, अल्कोहल, अचार, बोतल बंद चीज़ें, आप नींबू पानी अगर पीते हैं या फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स अगर लेते हैं तो आपकी शिकायत बढ़ सकती है। दूसरी एक बात हमेशा हमने याद रखनी चाहिए कि अस्थमा के मरीज को कभी भी अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिससे पेट में गैस बने वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इससे क्या होता है, आपके डायफ्राम पर दबाव आता है। अब डायफ्राम यानी क्या? डायफ्राम यानी कि आपके छाती को और आपके पेट को अलग करने वाला एक मसल होती है, एक पर्दा होता है। अब अगर आप ज़्यादा खाते हैं या फिर आपका हेवी फूड अगर आप खाते हैं, आपको अगर डाइजेशन अच्छा नहीं होता है तो पेट का जो प्रेशर है आपके लंग्स के ऊपर भी आएगा, आपके फेफड़ों के ऊपर भी आएगा। सो याद रखिए, अगर डायफ्राम पर दबाव बढ़ेगा तो अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो सकता है। और इसीलिए मरीज को ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, बेसन है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इन चीज़ों को आपने कम करना चाहिए। और एक रिसर्च के बारे में मैं आपको बताता हूँ, फास्ट फूड। जी हाँ, जो बच्चे हफ्ते में 3 से 4 बार फास्ट फूड खाते हैं उनमें अस्थमा के गंभीर लक्षण विकसित होते हैं। तो दोस्तों, फास्ट फूड का भी आपने परहेज करना चाहिए तथा अपने बच्चों को भी फास्ट फूड की ज़्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए। कोरोना काल में हमने हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा है, उसके इम्पोर्टेंस को समझा है और उसको अच्छे से रखना कितना महत्वपूर्ण है ये भी समझा है। इसीलिए इन सारी बातों को, इन डाइट की टिप्स को आपको फॉलो ज़रूर करना है। अगर ये बातें आपके ध्यान में नहीं आई है तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए और खुद के खान पान में बदलाव करके अपने अस्थमा के सिम्टम्स को काफ़ी मात्रा में आप कम कर सकते हैं। सो वो ज़रूर कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मुझसे कंसल्टिंग भी कर सकते हैं अस्थमा के लिए। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में हैं, जैसे आर्सेनिक है, सल्फर है, एंटीमटाड है, काली बीच है, मेडोरिनम है। लेकिन याद रखिए, खुद के दिल से कोई भी दवाई नहीं लेनी है क्योंकि ये क्रॉनिक बीमारी है, पुरानी बीमारी है, काफ़ी दिनों से चलने वाली बीमारी है। सो आप अच्छे कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं, आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।